प्रदेश के उद्यानिकी विभाग के अधीनस्थ दुर्ग संभाग के सभी कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश दैनिक वेतन भोगी उद्यानिकी श्रमिक संघ के बैनर तले रविवार को प्रदेश के उद्यानिकी विभाग के अधीनस्थ दुर्ग संभाग के सभी जिलों में निरंतर की वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कर्मचारियों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश श्रमिक संघ के आह्वान पर संभाग के उद्यानिकी विभाग में कार्यरत श्रमिकों को 2018 के चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिलाने हेतु नियमितीकरण का वादा निभाने अपनी आवाज बुलंद की। इसी कड़ी में दुर्ग के हिंदी भवन के सामने बड़ी संख्या में सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से वादा निभाओ के नारे लगाए, साथ ही आगामी दिनों पूरे संभाग स्तर पर प्रदर्शन किए जाने की बातें कही। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा साहू, प्रांतीय प्रवक्ता चित्रंजन साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारा मांगे अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग आगे हम लोग एक मीटिंग बैठा के अपने आगे के लिए आंदोलन के लिए जारी करने के लिए अपना मांग रखेंगे सरकार से। और सरकार खुद बोले थे कि घोषणा पत्र में खुद घोषणा पत्र बनाए थे कि अगर सरकार हमारे अगर बनते हैं तो 10 दिन के भीतर निजीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी तक सरकार अभी तक उसका मांग को पूरा करने के लिए अभी तक कुछ कह नहीं रहे हैं। लगभग संभाग में पूरे कितने कर्मचारी होंगे? यहाँ पूरे संभाग में हमारे कर्मचारी कम से कम 1300 कुछ है संभाग में हमारा। और अगर नहीं करता है तो पूरे और जो आदमी को हमारा जो उद्यान विभाग जो छूटा हुआ है उसको हम लेके बहुत जल्दी प्रदर्शन अगर करेंगे, अगर नहीं करेगा तो बहुत पुरानी है दैनिक वेतनभोगी के नियमितीकरण का, जो पिछले 15 साल जिन्होंने राज के उनसे भी लगातार मांगते आ रहे थे। और चूँकि उस समय का विषय बड़ा गंभीर था तो कांग्रेस ने चुनाव में आने से पूर्व वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे। और विभिन्न मंचों में आकर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा भी कहा गया था कि जल्द से जल्द आप लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा। चूँकि आज लगभग 3 वर्ष शासन का बीत गया है, उसके बाद भी दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के विषय में कोई पहल नहीं किया जा रहा है। केवल एक कमेटी बना दी गई है, पिंगुआ कमेटी, वो क्या करती है कैसे करती है किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। तो कमेटी बना देने से हमारा नियमितीकरण नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सरकार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले और बहुत जल्दी विधानसभा सत्र भी प्रारंभ होने वाला है, उसमें हमारे नियमितीकरण का घोषणा करें। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।